हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं टमाटर की चटनी बनाना। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर एक टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। आप कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमने डाला है जीरा, कलौंजी और मेथे आधा आधा चम्मच है, और दो से तीन यहाँ पे हरी मिर्च मैंने डाल दी है। मेथी दाना यहाँ पे 1/4 टीस्पून है। मेथी दाने का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा चला के थोड़ा सा भून लें इसे मसालों को। और अब हमें इस मसाले में डाल देने हैं, यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, उसको काट के रफली काट लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में। आप यहाँ पे टमाटर कोई भी ले सकते हैं, देसी ले सकते हैं या फिर दूसरे वाले। एक से दो मिनट इसे चलाते रहें ताकि मसालों में टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसे ढक के हम अब इसे दो से तीन मिनट पकाएंगे ताकि थोड़े से ये मैशी से हो जाएं। तो मैंने यहाँ देखिए दो से तीन मिनट पका लिया है और ढक्कन उठाया है। देखिए थोड़े से हो गए हैं मैशी से, पक गए हैं, लेकिन अभी सब्जी टमाटर की पूरी नहीं बनी है तो और पकाना है अभी हमें इसे। तो डालते हैं इसमें मसाले। सबसे पहले हमने यहाँ पे डालनी है हल्दी आधे चम्मच से कम, और आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, एक चम्मच यहाँ पे देगी मिर्च ली है जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे डाली है काली मिर्च, और एक चम्मच यहाँ पे नमक है। अच्छे से सारे मसाले इसमें कर ले मिक्स। देगी मिर्च से क्या होगा, अगर टमाटर ज़्यादा लाल ना हो तो देगी मिर्च एक अच्छा सा इसमें कलर दे देगी। तो इसलिए हमारी ये बहुत ही अच्छी सी सब्जी टमाटर की कहो या टमाटर की चटनी कहो, वो आप देखें क्या कहोगे, टमाटर की सब्जी है लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है आधा कप के करीब। अच्छे से कर लें मिक्स ताकि मसाले और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हमें इसे ढक के थोड़ा और पका लेना है। तो दो से तीन मिनट मैंने और पका लिया है। ये देखिए पानी भी थोड़ा सूख गया है और यहाँ पे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो सब्जी हमारी थोड़ी सी पक चुकी है। देखते हैं और क्या डालना है इसमें। अब डालेंगे यहाँ पे, अगर खट्टा मीठा टेस्ट देना है तो दो से तीन चम्मच यहाँ पे शुगर डाली है, और यहाँ पे दो चम्मच मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर डाले। इससे क्या होगा, सिरका डालने से इसमें थोड़ा सा टैंगी सा टेस्ट आ जाएगा इसमें, और ये बहुत ही चटपटी सी बनके तैयार होगी। कई बार रोटी के साथ सब्जी खाने को मन नहीं होता तो आप इस तरीके से ये टमाटर की सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप देसी टमाटर ले रहे हैं तो इसमें एक चम्मच डालें सिरका, अगर दूसरे ले रहे हैं तो आप दो से तीन चम्मच यहाँ पे सिरका डाल सकते हैं। और यहाँ हमारी देखिए टमाटर की सब्जी बन के तैयार है। तो थोड़ा सा यहाँ पे धनिया डाल लेंगे, आप यहाँ पे कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं थी कसूरी मेथी, मैंने धनिया डाला है। और इसको अच्छे से कर लें मिक्स। और यहाँ हमारी बहुत ही बढ़िया सी खट्टी मीठी सी चटनी बनके टमाटर की तैयार है। फटाफट से लंच बॉक्स में डाल के आप इसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनके हमारी तैयार हुई है। तो चलते हैं सर्व करने, गर्मा गर्म हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ या नान के साथ, पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, तो आप कैसे भी इसे खा सकते हैं लंच में डिनर में। तो गर्मा गर्म सब्जी तैयार है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।